सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान टेक सीरीज में। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में कि आपका एडसेंस अकाउंट जैसे ही वेरीफाइड हो जाता है वहां पर आपको बैंक डिटेल भरनी पड़ती है और बैंक डिटेल भरने के बाद वहां पर आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है और स्विफ्ट कोड आपको बैंक मैनेजर से कभी कभी नहीं मिल पाता, तो आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन अपना स्विफ्ट कोड सर्च कर देते हो। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर प्रेस के आइकॉन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं स्विफ्ट कोड की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पर मैं उसको ओपन करता हूँ और इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए लिखा है स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है सर्च फॉर ए स्विफ्ट कोड। अब आप नीचे देखेंगे लिखा है सर्च ए कंट्री, तो आपको आप कंट्री चूज करें, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप चूज कर लेंगे। मैं तो इंडिया से हूँ तो इंडिया पर मैं चूज कर लूँगा। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट कंट्री, आप करंट कंट्री के बाद यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ए बैंक, तो यहाँ पर जिस भी बैंक का आप अकाउंट है आपका SBI, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिटी बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे बैंक यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। सारे बैंक ऑल इंडिया के यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मैं अपना बैंक चूज करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको नीचे जाना होगा, नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, बाकी आप यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल वगैरह, ICICI, एक्सिस, सारे बैंक यहाँ पर लिमिटेड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जितने भी आपके बैंक होंगे सारे के सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मैं अपना बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको ग्रामीण बैंक नहीं मिलेंगे, जितने भी आपके ग्रामीण बैंक से ऊपर बैंक है वो सारे बैंक का स्विफ्ट कोड होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेट बैंक चूज कर रहा हूँ। स्टेट बैंक चूज करने के बाद आपको बताऊँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर चूज करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका कि किस शहर से है। तो आप जिस शहर से उस शहर का यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप जब यहाँ पर दिल्ली होगी, जितने भी आपके शहर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जितने भी हैं बरेली वगैरह सब चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है फाइंड ए स्विफ्ट कोड, तो यहाँ पर मैंने बरेली ब्रांच चूज किया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए स्विफ्ट कोड आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर लिखा है यहाँ पर स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड देखिए यहाँ पर आ चुका है जो ओरिजिनल स्विफ्ट कोड ऑफिशियल है। कंट्री भी आ गई है, सिटी भी आ गई है और ब्रांच का नाम भी आ गया है जो आपका ब्रांच है, और यहाँ पर आपको एड्रेस भी आ गया है और यहाँ पर उस ब्रांच का पिन कोड भी आ चुका है। तो ऐसे ही आप अपने जितने भी बैंक है, जो भी बैंक का आप स्विफ्ट कोड निकालना चाहते हैं, तो इसी तरह आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। थैंक यू।